के लिए आलू लेंगे, उबला हुआ, कटा हुआ धनिया, कटा हुआ हरी मिर्च, कटा हुआ अदरक, कटा हुआ लहसुन, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी लेंगे, कसूरी मेथी, थोड़ा सा गर्म मसाला, अजवाइन, नमक लेंगे, ऑयल और आटा। आटे को गूंथने के लिए थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे, फिर आटे को मिला के अच्छे से गूंथेंगे। देखिए आटा अच्छी तरह से गूंथ के तैयार हो गया है। हम इसको थोड़ा सा और इसको नरम होने के लिए रख देंगे। आटा गूंथने के बाद आलू को बढ़िया से बारीक मसल लेंगे। अब इसमें जो मसाला लिए थे उसको डाल देंगे, कसूरी मेथी डाल देंगे, गरम मसाला भी डाल देंगे, अजवाइन डाल देंगे, धनिया जो कट के रख गया था उसको डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे, अदरक डाल देंगे, लहसुन डाल देंगे, स्वादानुसार नमक डाल देंगे, फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ठीक से तैयार हो चुका है। इसमें अचार का मसाला भी मिला लेंगे, इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। पराठा बनाने के लिए तवे को रख देते हैं, फिर उसके बाद आटे का ऐसे लोई बना लेंगे, गोल सा। ये जो आलू का मसाला तैयार किए थे इसको बीच में डालेंगे, चारों तरफ से ऐसे उसको जॉइंट करके जो बचा हुआ है उसको रख देंगे। फिर इसको पलट लेते हैं, फिर इसमें ऑयल लगाएंगे ऊपर से, ताकि पराठा को बढ़िया से फूले। देखिए बढ़िया से सीख गया है। देखिए अच्छी तरह से इसको सेक लेंगे पराठे को दोनों तरफ से। इसी तरह से एक और पराठों को सेक लेते हैं। देखिए बढ़िया से सेक लिए हैं।